नमस्ते एवरीवन, कुक विद बिंदु में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है। यहाँ मैंने 1 कप मैदा, 2 कप आटा लिया हुआ है, नमक लिया हुआ है, चीनी लिया है, सूजी लिया है, थोड़ा सा दही लिया है और पानी लिया है। हम यहाँ पे आटे पे थोड़ा सा नमक देते हैं। हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ यूज़ नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा चीनी भी दिया है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी ठीक है। यहाँ पे हमने दो चम्मच सूजी दिया है। सूजी से भटूरा बहुत अच्छा बनेगा। मैंने सब इन सब डालने के बाद हमने एक बार इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है दही। हम दही देके अच्छे से डो रेडी करते हैं। मेरा यहाँ पे डो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 2 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। 2 घंटे तक में मेरा आटा फूल के रेडी हो जाएगा भटूरा के लिए। अब हम रेडी करते हैं छोला। छोले के लिए मैंने काबुली चना को भिगा के रख दिया है यहाँ पे। धनिया पत्ता लिया है, टोमेटो, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि हम लोग का घर में सब लोग गार्लिक नहीं खाते हैं। और यहाँ पे नमक लिया है, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, छोले मसाला, हल्दी, ब्लैक पेपर एंड जीरा धनिया पाउडर। मैंने कुकर में दो तीन बार चने को वॉश कर दिया है, काबली चने को, और मैंने कुकर में डाल लिया है उसको। नमक दिया है स्वाद अनुसार थोड़ा सा, और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने दिया है मेथी। मेरे पास कोई भी खड़ा मसाला नहीं था, दालचीनी इलायची, तो मैंने नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है मैंने ऑनियन मैंने आज यहाँ चॉप करके दिया है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे लाइट नहीं था आज, तो इसीलिए मैंने चॉप करके दिया है ऑनियन को। थोड़ा ऑनियन भुनने के बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ टोमेटो, जिंजर, और उसके बाद जितना भी मसाला मैंने रेडी किया था, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी, ब्लैक पेपर, छोला मसाला, कसूरी मेथी, नमक, रेड चिली पाउडर, सब कुछ देके मैंने इसको थोड़ा टाइम पकाया है। यहाँ पे कम से कम 5 मिनट मैंने इसको कुछ छोटा गैस करके कुक होने के लिए छोड़ दिया है। मेरा यहाँ पे मसाला पक के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा दही। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो भी ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद जो मेरा बॉयल चना था उसको मैंने ये मसाला में डाल दिया है। मैंने चना में वही पानी यूज़ किया है, मैंने पानी नहीं फेंका है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार चना को धो के मैंने बॉयल किया था इसीलिए। और मैंने यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से पकाया है छोले को, और मेरा छोला रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब हम इस पे डालते हैं धनिया पत्ता। मेरा छोला रेडी हो चुका है यहाँ पे। मेरा यहाँ पे जो आटा लगाया था भटूरे के लिए वो 2 घंटा हो चुका है। मैं इसको एक बार अच्छे से गूंद लूँगी।
गैस पे मैंने तेल चढ़ाया है भटूरे के लिए और मैं टेस्ट कर एक बार चेक कर रही हूँ कि तेल रेडी हुआ कि नहीं। मेरा तेल गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे भटूरे छानना शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छा फुला फुला भटूरा बन के मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक